सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि जिंदगी तो खुद को बनाने में है। उड़ गए हो तो रब का शुक्रिया अदा कीजिए। हर जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक हमें वो काम नामुमकिन ही लगता है। आज का पंचांग 14 सितंबर 2020, देश सोमवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात्रि 1:29 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र दोपहर 3:52 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:48 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 14 सितंबर 2020, दिन सोमवार, अपने सब विचारों को एक साथ रखकर सोचें। इससे जो निष्कर्ष निकलेगा उससे आपको स्थितियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। अपने आप को उन चीजों में ना फंसने दें जिनमें आप विश्वास नहीं रखते, इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएं। इधर उधर की हाँकना आपकी आदत नहीं है, लेकिन कई बार आपको न चाहते हुए भी यह करना पड़ता है। संतान की शिक्षा से संबंधित कुछ भविष्य संबंधी लाभदायक योजनाएं फलीभूत होगी, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप भी अपना ध्यान अपने व्यक्तिगत कार्यों में केंद्रित कर पाएंगे। घर में किसी नजदीकी मेहमान के आने से खुशी भरा वातावरण बना रहेगा। अपने अधिकार के प्रति आप जागरूक होंगे, किसी के दबाव में आकर आप काम करेंगे न आप किसी पर दबाव का प्रयोग करेंगे। आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे। परिवार के लोग आपसे आज थोड़ी दूरी बनाएंगे। आज किसी का साथ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आज आपको काम को सही न्याय देने के लिए लड़ना पड़ेगा। अपनी बात को अच्छे से रखने की कोशिश करें। सावधानियां, अधिकतर कार्यों में आपको सफलता मिलने से कभी कभी आप में ईगो और घमंड की भावना उपज सकती है, जो कि आपके प्रति दूसरों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करेगी। इसलिए अपने व्यवहार को सहज व शांत बनाकर रखें। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। लव लाइफ की बात करते हैं। आज का दिन प्यार के लिए उपयुक्त है। अपने प्रिय के लिए अपनी प्रशंसा और प्यार का इजहार उसके लिए कुछ स्पेशल करके करें और देखें कि दिन कैसे खास बन जाएगा। रोमांस की संभावना है। अगर आप अकेले हैं तो आज आपकी मुलाकात अपने प्यार से हो सकती है, या फिर आप अपने किसी करीबी को ही नए सिरे से रोमांटिक तरीके से देख सकते हैं। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मीठी नोकझोंक रहेगी। जीवन साथी को कोई अच्छा उपहार अवश्य दें। करियर की बात करते हैं। आज उत्तरार्ध में एक व्यापारिक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यह बौद्धिक विवेक को बढ़ाने के लिए एक महान अवसर होगा। अगर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं तो पूर्वार्ध में अवकाश लेकर अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से आप अपने आप को औरों के सामने प्रस्तुत करेंगी। किसी नए काम की शुरुआत होगी, परंतु अभी अधिक लाभ की उम्मीद न रखकर पूरी तरह से मेहनत आप करें।
भविष्य में यही काम आपको फायदा भी देंगे। पार्टनर संबंधित व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना आवश्यक है। सेहत की बात करते हैं, एक अच्छी धीमी सैर के साथ करें, इससे आपको राहत भी मिलेगी और सकारात्मकता भी। अपने किसी करीबी को साथ चलने को कहें। दिन में आप पर थकावट हावी हो सकती है, तनाव ना लें। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कैफीन वाले पेय पदार्थों के बजाय ताजा जूस पिए। आज का उपाय, आज अब शंकर भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।